अब एक नजर आज की अगली खबर पर। दो तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। यूपी के सोनभद्र जिले के चुर पुलिस लाइन में दो अफीम तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। बता दें कि तकरीबन 10 किलोग्राम नाजायज अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है, तो वहीं इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि तस्करों के पास से एक अदद चार पहिया वाहन सिटी होंडा लग्जरी कार बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख के बराबर बताई जा रही है। वहीं पूछताछ के दौरान मालूम चला कि ये दोनों व्यक्ति झारखंड से लखनऊ की तरफ नजायज अफीम लेकर जा रहे थे। पकड़े गए तस्कर झारखंड के बताए जा रहे। देखे चुर से दिग्विजय की ये रिपोर्ट। जा रहा है इस बुधवार के लिए। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि पहली बार अफीम पकड़ी गई है, तो क्या माना जाए कि अब इस रूट का प्रयोग अफीम तस्करी के लिए भी किया जा रहा है? देखिए, ये हमारा जो जनपद है ये अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स इसमें बहुत बड़ा है, और इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि जहाँ भी इंटरस्टेट बॉर्डर्स रहते हैं कि तस्करी इधर से उधर या उधर से इधर होती रहती है। अभी जो हम लोगों के पास इनपुट थी उसके आधार पे ये कार्रवाई की गई है, और हम लोगों को बहुत सारी जानकारी भी मिली है, जिस जानकारी के आधार पे हम लोग आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं।